आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? राइट, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो पहले जिनके साथ इकोनॉमिक्स का अलग से एक नया ब्रांच शुरू हुआ, जिन्होंने बहुत ज्यादा थियोरीज पे काम किया है, जैसे डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, देन जॉन 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 बैप्टिस्ट से, ऐसे जो लोग थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिक्स के बेसिक के थियोरी बताए। उन्होंने बताया कि इकोनॉमी कैसे चलती है, कैसे स्मूथली चल पाएगी। तो एडम स्मिथ ने बताया इनविजिबल हैंड का फोर्स, जो हमने देखा था कि मार्केट में कंपटीशन की वजह से अपने आप प्राइस सेट हो जाता है, उसके लिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरवेन नहीं करना है, देन इट विल वर्क ओके। फिर हमने ये देखा कि ये इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अपने थियोरीज में फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट के बारे में बात की है। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हमारे पास एब्सेंस रहता है अनवॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए भी तो हमें खुद की इच्छा से, हमारे खुद की विलिंगनेस से अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन हम जो बोलते हैं ना कि अरे परिस्थितीच्या मुळे मला मला जॉब नहीं मिळाला, कि बाहर जो भी कुछ चल रहा है वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा दिख भी रहा है, दैट इज बिकॉज मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस चल रहा है या प्राइवेट मोनोपोली का इंटरफियरेंस है। प्राइवेट मोनोपोली मतलब बहुत ज्यादा बायर्स लेकिन सिर्फ एक प्राइवेट सेलर, राइट? यहां तक हमने देखा था। सो द एक्सेप्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टू अजम्पशन। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी मतलब फ्री मार्केट, जहां पर सब बायर्स सब सेलर्स, लाइक देर आर मल्टीपल बायर्स मल्टीपल सेलर्स, एक सेम प्राइस है इकोनॉमी में चल रही, कुछ भी प्रोडक्ट भी सेम है। मतलब अगर मैं, फवाद, जायद ये सब कुछ बेच रहे हैं, तो तीनों भी हम सेम चीज बेच रहे हैं, वो बहुत ही होमोजिनस है, कुछ भी चेंज नहीं। अगर सैमसंग का गैलेक्सी S2, S5, whatever consider it, तो एक मॉडल बेच रहे, तो मैं भी वही सेम बेचने वाली हूँ, जायद भी सेम बेचेगा, फवाद भी सेम बेचेगा। Are you getting my point? तो क्या होगा कि ये सब जो फिर उसका प्राइस भी सेम होगा, तो ये सब मार्केट में सेम चलेगा, हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, तो क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी बहुत ही सेम होगा। That is called free enterprise economy. ये free enterprise economy दो assumption पे टिकती है। There can never be deficiency of aggregate demand because, just give me a minute. आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन, राइट? Yes, ma'am. Okay, cool. वो शायद पीछे चला गया, मुझे देखना पड़ेगा। तो देर कैन नेवर बी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कम होना, राइट? डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हर बार एग्रीगेट डिमांड होना ही होना है मार्केट में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स है। तो जैसे कि सैमसंग के फोन के लिए बहुत ज्यादा बायर्स रहते हैं, ऐसा होता है क्या कि मार्केट में फोन ज्यादा है और बायर कम है? ऐसे होता ही नहीं है, फोन कम रहते हैं, बायर्स ज्यादा रहते हैं। ओके, सो वहां पर डेफिशिएंसी नहीं होगी एग्रीगेट डिमांड की, बिकॉज प्रोडक्शन इंक्रीजेस नॉट ओनली द सप्लाई ऑफ गुड्स बट बाय वर्च्यू, मतलब प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो सिर्फ सप्लाई नहीं बढ़ता, उसके साथ क्या बढ़ता है, बाय वर्च्यू ऑफ फैक्टर प्राइस पेमेंट्स इट ऑल्सो क्रिएट्स डिमांड फॉर दिस गुड्स। तो क्या होता है, जनरली अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जैसे समझो कि जायद के पास सैमसंग की फैक्ट्री है, सैमसंग फोन की, ओके, सैमसंग J7, जो अभी J7 प्रो जो इतना शायद अभी बनता नहीं है, लेकिन उसकी अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री डाली है जायद ने, तो क्या होगा, जैसे ही जायद उसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसके ज्यादा फोन्स बनेंगे, ज्यादा बिकेंगे, मतलब सप्लाई ज्यादा होगा। फिर डिमांड के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं, इसका इजी सॉल्यूशन क्या होता है, अगर वो ज्यादा फोन्स बना रहा है, मतलब वो ज्यादा लेबर यूज कर रहा है, ज्यादा लैंड यूज कर रहा है, राइट? तो जो भी ये ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहा है, तो अगर वो ज्यादा लेबरर्स यूज कर रहा है, ज्यादा वर्कर यूज कर रहा है, तो
वो पैसे ज्यादा देगा उनके, आइदर वे ओवर टाइम के पैसे देगा या फिर ज्यादा एम्प्लॉइज लेगा, तो ज्यादा पैसे दोगे आप, राइट? तो क्या होगा, जो भी लेबरर्स है उनके पास भी पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ता है तो परचेसिंग पावर बढ़ती है, परचेसिंग पावर मतलब खरीदारी करने की शक्ति, ओके? तो ये लोग क्या करेंगे, यही लोग आगे जाकर वो बाहर का सैमसंग J7 Pro खरीदेंगे। मतलब जैसे आपका सप्लाई बढ़ता है वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ाने के लिए जो भी प्रोडक्शन फैक्टर्स हेल्प करते हैं, तो प्रोडक्शन फैक्टर के लिए हम क्या क्या देते हैं, हम रेंट देते हैं लैंड के लिए, इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल के लिए, प्रॉफिट देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंड उसके बाद वेजेस या फिर सैलरी देते हैं लेबरर्स के लिए। तो ये सब भी आप ज्यादा ज्यादा दोगे ना, जो सप्लायर है जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा देगा ये सब फैक्टर्स के लिए। तो जो भी आपको वो पता है फ्लो याद में आ रहा है, वो हाउस होल्ड को भी ज्यादा पैसे मिलेंगे जैसे फर्म्स अपना प्रोडक्शन बनाती है, राइट? तो यही हाउस होल्ड आगे जाकर क्या करेंगे, आगे जाकर वो जो चीजें है गुड्स सर्विसेस वो खरीदेंगे, तो डिमांड भी कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा, एग्रीगेट डिमांड। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है? इसीलिए ये बोला था पहले अजम्पशन में, देयर कैन नेवर बी डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की कभी भी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, बिकॉज प्रोडक्शन इंक्रीजेस नॉट ओनली सप्लाई ऑफ गुड, मतलब प्रोडक्शन सिर्फ सप्लाई नहीं बढ़ाता बाय वर्चू ऑफ फैक्टर प्राइस पेमेंट्स, बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो है उनको पे करने के बाद इट ऑल्सो क्रिएट्स डिमांड फॉर द गुड्स, डिमांड भी बढ़ा देता है गुड्स के लिए। प्रोडक्ट्स आर पेड फॉर विथ द प्रोडक्ट्स। अब ये क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रोडक्ट्स ही पे किए जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स को पे किया जाता है। कैसे, जैसे नए प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं उससे ही प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं और उनको पे किया जाता है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसका मतलब है जो भी सप्लाई बढ़ता है वो बढ़े हुए सप्लाई की डिमांड वो खुद सप्लाई क्रिएट करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है? ओके, लेट्स थिंक लाइक दैट। आम के बाग है बहुत ज्यादा लोगों के यहाँ पर, राइट? तो अगर आपने कुछ नए पेड़ उगाए, आपने आम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया अपने मार्केट में, राइट? तो क्या होगा, पहले आप जो जो भी रिक्वायर्ड होगा, तो आप शायद थोड़ा प्रोडक्शन है जो आप बाहर बाहर मतलब लेकर नहीं जाएंगे, दापोली में ही आकर बेचेंगे, राइट? क्योंकि आम का प्रोडक्शन थोड़ा ही है, तो आपको बेसिक कुछ जितना प्रोडक्शन हुआ उतने आप आम बेचोगे, आपको उसके पैसे मिलेंगे। लेकिन एक साल बहुत ज्यादा आम आए, इतने आम कि आपको वो कहीं पूना मुंबई में या फिर बाहर के शहर में जाकर बेचने पड़े, वरना वो खराब हो जाते हैं, यहाँ पर उतनी डिमांड ही नहीं है उतने आम की। तो आप क्या होगा, जैसे ही आपका सप्लाई बढ़ा, मुंबई पुणे में जाकर आपने बेचना शुरू कर दिया, आपके डिमांडर मतलब आपके कंज्यूमर्स भी बढ़ गए। तो इसका मतलब आपने जो सप्लाई क्रिएट किया था, जो आपने जो सप्लाई बनाया है, वो ही सप्लाई आपके डिमांड को क्रिएट कर रहा है। दैट इज व्हाट दे से, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आपको यह समझ में आ रहा है? इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, अगर आपको कुछ भी, यस यस, ओके, सो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है पूछ लेना, ओके? सो दूसरा अजम्पशन क्या, एक तो हमने देखा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इतना सारा बड़ा कुछ लिखा है, तो इसका पहला बेसिक अजम्पशन क्या हुआ, हमने देखा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपना खुद का डिमांड क्रिएट कर देता है मार्केट में। दूसरा अजम्पशन क्या है, इवन इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और डिमांड, जब ही मार्केट में एक्सपेंडिचर की मतलब खर्चे की या फिर डिमांड की कमी होगी, वेज रेट्स आर नॉट स्टिकी इन नेचर एंड द ऑपरेशन ऑफ फ्री मार्केट प्राइस एंड द फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली रिमूव्स अनएम्प्लॉयमेंट विच मे ऑकर टेम्पररीली। सो फुल एम्प्लॉयमेंट तो रहना ही है, हमने देखा। तो कैसे होगा, जब ही एक्चुअली डिमांड नहीं है मार्केट में, तो
तो कोई बेचेगा नहीं, कोई नई चीजें बनाएगा नहीं, राइट? तो शायद आपके जॉब चले जा सकता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है. लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट परमानेंटली नहीं होगी, ये कैसे होगी, टेम्पररीली होगी, क्योंकि आपके वेज रेट मतलब सैलरी है वो स्टिकी इन नेचर नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं है, दे आर फ्लेक्सिबल. जैसे काम बढ़ता है आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम काम है कम पैसे मिलेंगे ऐसे. और इसकी वजह से फ्री मार्केट में प्राइजेस भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, इंटरेस्ट भी फ्लेक्सिबल रहेगा, इंटरेस्ट मतलब लैंड को भी मिलता है, तो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वो फ्लेक्सिबल रहेगा और उसके हिसाब से आपका डिमांड और सप्लाई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी में रहेगा. तो जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो टेम्पररी रहेगा, फुल टाइम के लिए नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है? सो दैट इज दूसरा अजम्पशन. तो हमने पहले वाला देखा था, ये सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपना खुद का डिमांड क्रिएट करेगा. और दूसरा देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट विच मे ऑकर इन द मार्केट इट विल बी टेम्पररी. ये दो अजम्पशन आपको समझ में आ रहे? यस मैम. ओके, यस मैम. तो इसके बाद यहाँ पर नहीं, तो इसके बाद एक और भी है और यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबने एक डिमांड और सप्लाई के लॉ के बारे में पढ़ा है, राइट? यस मैम. राइट, तो मुझे बताओ कि जब डिमांड और सप्लाई लॉ आप पढ़ रहे थे तो हर बार वो लॉ में एक स्टेटमेंट आता था, आपको याद है कुछ ऐसा कॉमन स्टेटमेंट, वो तीन चार लाइंस में कुछ अदर थिंग्स ऐसा कुछ रिलेटेड, आपको याद है किसी को? अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. कैन यू जस्ट टेल मी, किसी ने बताया, आपका नाम बताओ जिसने बताया. फवाद. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. तो ये जो अदर थिंग्स है वो क्या है, मतलब हम जब डिमांड के लॉ के में लॉ के बारे में बात कर रहे थे तो हमने दो चीजें देखी थी, एक था क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? क्वांटिटी डिमांडेड मतलब हमने जो भी क्वांटिटी मार्केट में डिमांड की है वो, और दूसरी चीज थी जो थी प्राइजेस ऑफ दैट क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कितने प्राइस अगर बढ़ती है तो अपनी डिमांड कम हो जाएगी या बढ़ेगी, अगर प्राइजेस कम होती है तो अपनी प्राइस डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी, ये हम देख रहे थे वो लॉ में. हमने ये देखा कि अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइजेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा, राइट? तो इस ये लॉ कहते हुए हम पहले क्या बोलते थे, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट इफ प्राइजेस इंक्रीज और इफ प्राइजेस एक्सपांड द डिमांड या फिर द क्वांटिटी डिमांडेड विल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ऐसा कुछ बोलते थे. तो ये जो अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट है इसका मतलब होता है कि डिमांड को सिर्फ प्राइस नहीं मतलब अफेक्ट करती, उसके साथ क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, कि अगर आप पेन के बारे में बात कर रहे हो, तो बहुत सारे टाइप्स के पेन रहते हैं, लेग्जिका रहता है, रेसर जेल रहता है, बहुत बहुत ज्यादा रहते हैं. तो अगर आपको मार्केट में रेसर जेल का पेन नहीं मिल रहा है, कुछ शॉर्टेज हुआ है लॉकडाउन के टाइम में, ऐसा अगर है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, ऐसा अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा है, तो आप क्या करोगे, आप पेन नहीं खरीदोगे, नहीं, आप ट्राइमैक्स को लोगे, लेक्सी का लोगे, ऐसा कुछ ना कुछ अलग पेन लोगे, राइट? या फिर ऐसा होता है कि लॉकडाउन में जो भी अभी प्रोडक्शन शायद कम हुआ है उसके लिए आपने क्या किया, जो भी मतलब रेसर जेल पहले 10 या 12 10 रुपए में मिलता था, अब वो 50 रुपए में मिलने लगा है, तो क्या फिर भी जाकर आप 50 रुपए वाला रेसर जेल लोगे? जब 5 पेन मिलते होगे तब ठीक है, लेकिन एक पेन के लिए 50 रुपए कौन देगा? तो नहीं होगा ऐसे, राइट? तो क्या होगा, आप लेग्जी का चूज करोगे, ट्राइमैक्स का चूज करोगे, ऐसा कुछ अलग अलग पेन ट्राई करोगे. तो जब भी जैसे प्राइस बढ़ेगी आपका डिमांड बढ़ेगा, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी या फिर प्राइस कम होगी तो भी अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में आप सोचोगे. ओके, तो अगर ट्राइमैक्स की प्राइस कम होती है, ट्राइमैक्स 5 रुपए में मिलने लगता है और लेग्जी 10 रुपए में मिलने लगा है शायद, तो आप लेग्जी नहीं लोगे, आप क्या लोगे, ट्राइमैक्स लोगे. उसके हिसाब से अगर जैसे कि
ईद आती है राइट, तो ईद या फिर या ईद आती है या फिर और कुछ त्योहार आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको मार्केट में नई नई चीजें मिलने लगती है। जैसे गणपति आए हैं तो अभी गणपति के आइडल्स मिलने लगे राइट, स्टैचूज मिलने लगे, उसके हिसाब से पूजा की जो जो थाली मतलब जो भी कुछ लगता है पूजा के लिए वो मिलने लगा है। अगर ईद आती है, रमजान आता है, तो उस टाइम आपको पता है बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स मिलने लगते हैं मार्केट में, आपने सभी ने देखा होगा राइट, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिलने लगते हैं। सो दैट इज व्हाट कि जैसे जैसे सीजनल चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, त्योहार आते हैं, तो वैसे वैसे मार्केट में वो चीजें डिमांड में आती है, तो डिमांड वैसे भी चेंज होती है, प्राइस चेंज हो ना हो, तो ये सब फैक्टर जब डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से ही क्वांटिटी चेंज होगी डिमांड की? तो ऐसे नहीं है। इसीलिए हमने क्या अजम्पशन लिया था, क्या कंसिडर किया था कि बाकी सब चीजें बहुत ही कॉन्स्टेंट रहेगी, जो कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस हो, लोगों की हैबिट्स हो, सीजनल चेंजेस हो, कुछ भी, ये सब कॉन्स्टेंट रहेगा, और सिर्फ अगर फिर उसके बाद प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी। सो दैट इज वो अदर थिंग्स बीइंग सेम वाला जो कंसेप्ट है, इसको इकोनॉमिक्स में बहुत ही अलग सा वर्ड लिखते हैं, मैं आपको लिख कर बताती हूँ ओके, और आप मुझे बताना इसको क्या बोलते हैं ओके। आपको दिख रहा है राइट मैं जो लिख रही हूँ? just give me a minute okay okay so just a minute ये क्या लिखा है मैंने, क्या आप बता पाओगे? हे पीप्स, मैं आपको पूछ रही हूँ, आपको दिख रहा है राइट मेरी स्क्रीन? क्या लिखा है अब मैंने? Yes. हाँ, तो क्या लिखा है? ओके, इट इज आइदर वे, जब मैंने पहले देखा था, और कोई सब इस पर मतलब है, सिटेरिस पैरिबस ऐसा कुछ लिखा है ऐसा आपको लग रहा है राइट, या कैटेरी से ओके। सो जो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, ऐसे लॉ के पहले हम जो स्टेटमेंट बोला करते थे उसको बोलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला अजम्पशन। फुल एम्प्लॉयमेंट हमने एक देखा था, दूसरा देखा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड वाला, और उसके बाद एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स का अजम्पशन रहता है जिसको बोलते हैं सिटेरिस पैरिबस ओके। सिटेरिस पैरिबस मतलब अलग, सॉरी, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, सो दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये कैसे चलता है ओके। नाउ लेट मी गो टुवर्ड्स माय स्लाइड शो अगेन, वेयर आई विल शो यू कि ये दो हमने तीन अजम्पशन के बारे में बात की। पहले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दूसरा कि अनएम्प्लॉयमेंट मे ऑकर बट टेम्पररीली, इसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है ये इकोनॉमी में। और हमने और एक तीसरे टर्म के बारे में बात की, दैट इज अ सिटेरिस पैरिबस टर्म ओके। सो ही इज द पर्सन दैट इज जॉन बैप्टिस्ट से, आपको पता है ये लोग बहुत पुराने टाइम के हैं, तो इनके डायरेक्टली पिक्चर्स नहीं मिलते, दे आर द पेंटिंग्स, बहुत पुराने वाले पेंटिंग्स। तो इन्होंने क्या कहा वो हम देखने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं सेज लॉ, उनका नाम ही से था, एस ए वाई। तो इन्होंने बोला सेज लॉ क्या है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर इतना कुछ बताया आपको, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये स्टेटमेंट अभी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इज देयर एनीबडी जिनको ऐसे लगता है कि मुझे, मैंने
मतलब मुझे एक बार फिर से ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं करूंगी अगर आपको चाहिए तो. ओके, डू यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज सेज लॉ, की मतलब उसका डीप में अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है. सेज लॉ और सेज लॉ ऑफ मार्केट, सेम नेम है, इज अ प्रिंसिपल एट्रीब्यूटेड टू फ्रेंच बिजनेसमैन एंड इकोनॉमिस्ट जॉन बैप्टिस्ट से. ओके, किसने दिया वो, मतलब कौन थे वो पिक्चर में थे? ही वॉज अ फ्रेंच बिजनेसमैन एंड इकोनॉमिस्ट, इसलिए वो जीन दिख रहा है लेकिन जॉन बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, राइट? सो उन्होंने दिया, इट स्टेट्स दैट, ये बोलता है कि देयर कैन बी नो डिमांड विदाउट सप्लाई. सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड है, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो अगर सप्लाई है तब ही डिमांड होगी. समझ में आ रहा है? द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन ओपन्स अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड. तो जब प्रोडक्शन की एक्टिविटी बढ़ती है तभी डिमांड शुरू होती है मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए. मतलब अगर चाय बनना शुरू हुआ तो ही चाय का डिमांड आएगा. एक बार अगर आपको टपरी दिखती है तो ही आप टपरी पर जाकर चाय पियोगे, राइट? टपरी है ही नहीं तो आप बोलोगे क्या, चाय पीना है, चाय पीना है, चाय पीना है अभी मुझे यहाँ पर, नहीं. लेकिन अगर रोड पे दिखने शुरू हुए, अभी लॉकडाउन में कुछ टपरी नहीं थी, वड़ा पाव नहीं था, कुछ नहीं था, तो क्या आप रोड पर मतलब रुक कर ऐसे बोल रहे थे मुझे वड़ा पाव चाहिए, मुझे वड़ा पाव चाहिए? ऐसा नहीं हो रहा था, राइट? लेकिन अगर आप कहीं अभी जा आ रहे हो और अगर आपको कहीं वड़ा पाव की टपरी दिखे तो आप रुकोगे, राइट? और बोलोगे हाँ यार मुझे वड़ा पाव चाहिए, अब मैं वड़ा पाव लूंगा. सो दैट इज कॉल्ड कि अगर सप्लाई है तो डिमांड होगा ही, लेकिन अगर सप्लाई नहीं है तो डिमांड नहीं होगा. दैट्स व्हाट से इज सेइंग. से नाम का ये जो आदमी है वो बोल रहा है. ओके, दस द मेयर क्रिएशन ऑफ वन प्रोडक्ट इमीडिएटली ओपन्स द एवेन्यू फॉर अदर प्रोडक्ट. और इसके लिए क्या होता है, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू हुआ इसका मतलब अलग प्रोडक्ट्स के भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे. क्योंकि अगर आप चाय के फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आपके मतलब मालिक ने ऐसे बताया कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको ओवरटाइम मिलेगा, ज्यादा सैलरी मिलेगी, आपने ज्यादा काम किया, आपको ज्यादा सैलरी मिली, लेकिन उसके बाद जब ये वेन्यू ओपन होगा कि आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन शायद आप चाय पीते ही नहीं हो, आप कॉफी पीना पसंद करते हो या फिर आपको चावल चाहिए, तो मतलब आपकी डिमांड क्या होगी कि मुझे चाय नहीं, मुझे कॉफी चाहिए, मुझे चावल चाहिए. तो इसकी वजह से मार्केट में कॉफी और चावल का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा. सिमिलरली जो भी कॉफी और चावल के यहाँ मतलब फैक्ट्री में या फिर जो भी कुछ जहां पर प्रोडक्शन बन रहा है वहां पर काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो शायद उनको कपड़े लगेंगे, उनको पॉट्स लगेंगे, उनको कुछ और अलग चीजें लगेंगी, तो वो उसका डिमांड करेंगे, उसका प्रोडक्शन. सो इट्स लाइक चेन, एक से ज्यादा एक ऐसे प्रोडक्शन शुरू होता है. तो पहले प्रोडक्शन, मतलब ये तो मुर्गी और अंडे जैसा एग्जांपल है, पहले मुर्गी या पहले अंडा. तो अभी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, पहले प्रोडक्शन, पहले सप्लाई, फिर डिमांड. सप्लाई हैज मोर इम्पोर्टेंस. आगे आगे जैसे जाओगे यही सब उल्टा होने लगेगा, लेकिन अभी के लिए सुलटा ही, मतलब जो भी सीधा है वो ही देखते. ओके, तो ये सेलो क्या बोलता है, इन अदर वर्ड्स से क्लेम्ड दैट प्रोडक्शन इज द सोर्स ऑफ डिमांड. प्रोडक्शन डिमांड का ऐसा सोर्स है. वंस एबिलिटी टू डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर्स derives from the income produced by one's own act of production. Difficult statement. लेकिन easy में ऐसे बताया है कि जैसे जैसे production की activity बढ़ती है तो उसके हिसाब से आपकी demand भी बढ़ती है. लेकिन वो demand शायद वो ही produce, अगर आपने A चीज का production शुरू कर दिया, okay? तो क्या होगा, एक चीज बनाने के लिए जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन शायद उनको ए चीज नहीं चाहिए, उनको दूध चाहिए, उनको और कुछ चाहिए. तो क्या होगा, वो उसका डिमांड करेंगे
बी बी प्रोडक्ट का, सी प्रोडक्ट का, डी प्रोडक्ट का, और ये बी सी डी प्रोडक्ट की डिमांड होने के कारण उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऐसे मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी. ओके, वेल्थ इज क्रिएटेड बाय प्रोडक्शन नॉट बाय कंजम्पशन. तो वेल्थ मतलब आपकी संपत्ति कैसे क्रिएट की जाती है, वो प्रोडक्शन के हिसाब से क्रिएट होती है, प्रोडक्शन की वजह से क्रिएट होती है, नॉट बिकॉज ऑफ कंजम्पशन. आप कितना कंज्यूम कर रहे हो इससे हिसाब से नहीं. तो दिस इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड थियरी, ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड लॉ है प्रोडक्शन साइड से. माय एबिलिटी टू डिमांड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर डिराइव्स फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी ऑफ माय लेबर और माय नॉन लेबर एसेट्स. तो मेरी जो एबिलिटी है डिमांड करने, अगर मेरे पास पैसे नहीं ही है तो मैं किसका डिमांड करूंगी, कुछ नहीं, मैं भूखी ही सो जाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है. लेकिन क्योंकि मैंने काम किया, मुझे पैसे मिले, इसकी वजह से मैं कुछ भी डिमांड कर सकती हूँ. मेरी एबिलिटी बढ़ेगी डिमांड करने की वजह से, क्योंकि मैंने मेरे प्रोडक्टिविटी की वजह से, मेरे वेजेस की वजह से मेरे पास आज पैसे है, या फिर मेरे पुरखों की एसेट की वजह से. एसेट मतलब आपको पता ही है आपकी जो संपत्ति है. The higher or lower than that productivity is, मतलब आपकी productivity, आपकी काम करने की capacity, आपकी efficiency कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, is productivity is, the higher or lower is my power to demand other goods. तो higher productivity है मतलब आप higher demand करोगे, lower productivity है lower demand करोगे, क्योंकि हायर प्रोडक्टिविटी की वजह से आप अच्छा काम करोगे, अच्छी सैलरी या वेजेस मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा डिमांड कर पाओगे क्योंकि पैसे आपके हाथ में. उल्टा होगा, कम प्रोडक्टिविटी, कम काम, कम एफिशिएंसी, कम सैलरी, कम प्रोडक्शन, कम पैसे और कम डिमांड करने की कैपेसिटी. ओके, समझ में आ रहा है? इज दैट ओके विथ यू? यस. ओके, सो या आज के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ये आदमी को इंट्रोड्यूस करने के बाद ही. ओके, सो ये जो हंसता खेलता खिलखिलाता ये इंसान हमें सामने दिख रहा है, इसका नाम है केन्स, लॉर्ड केन्स या फिर जॉन मेयर केन्स. ओके, और ये इसने क्या बोला, आप तब क्या हो रहा था, लाइक द टाइम मैं आपको बता देती हूँ. टाइम है 1920s का, 1920 के आसपास. तो ये भी एक इकोनॉमिस्ट था और बहुत ही रिवोल्यूशनाइज्ड इकोनॉमिस्ट है. ओके, इन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड को हिला दिया पूरा का पूरा. लेकिन ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि अरे यार, इन लॉन्ग रन वी ऑल विल बी डेड, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम में हम तो सब मर जाएंगे. तो अगर आपको याद है, मैंने बोला था क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते थे, जैसे कि इनविजिबल हैंड. हमें पता नहीं है कंपटीशन कैसे कब चेंज करेगी, हमें सिर्फ ये पता है कि चेंज होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, लेकिन कब ये कुछ पता नहीं है. उन्होंने ये सिर्फ बोला था कि इन लॉन्ग टर्म ये सब चेंजेस होंगे. लेकिन ये जो केन्स भाई है, उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, इतना अगर हम वेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हम सब डेड हो जाएंगे, तो इसका फायदा क्या रुकने का, हमारी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाएगी. और इसकी वजह से इन्होंने केनेशियन इकोनॉमिक्स नाम का बहुत बड़ा ब्रांच, बहुत स्टडी किया, बहुत बड़े बड़े बहुत इंपॉर्टेंट से बुक लिखे, बहुत ही रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया इकोनॉमिक्स के फील्ड को. और केन्स का नाम और उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उनका नाम बहुत रोशन हुआ. इन्होंने जो अपने अपने थियरीज में से हमें कुछ सुझाव दिए, कहीं उपाय संगितले, त्यांचा उपयोग करून वो सुझाव को मतलब यूज करके हमने 1930 में जो बहुत 1929-1930 में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, उसको फाइट करने के लिए उन्होंने दिए जो सुझाव थे उसका बहुत यूज हुआ. ओके, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हमने जो देखा था कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन से है, एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, इनविजिबल हैंड क्या है, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के अजम्पशंस कौन से,
एक तो था जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दूसरा था कि सिटरिस पैरिबस जैसा, और तीसरा था क्या आपको याद है कौन सा था तीसरा? अनएम्प्लॉयमेंट वाला था, राइट right? कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट आपको इकोनॉमी में दिखेगी वो टेम्पररी होगी. ओके okay? तो ये तीन अजम्पशन हमने देखे, और उसके बाद हमने क्या देखा कि ये सब तो ठीक है, और ये जो सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड वाला जो थियरी है, जो लॉ है, वो से नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने हमें पढ़ाया, इकोनॉमिस्ट ने हमें बताया, बहुत ही वेल नोन इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, फ्रेंच पर्सन. एंड उसका कुछ मतलब हमने उसके कुछ और भी ज्यादा देखे पॉइंट्स जो आपको एज अ थियरी लिखने के लिए आ सकते हैं. तो ये सबके शॉर्ट नोट्स, ये सबके लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने के लिए आ सकते हैं. ओके okay? मैं आपको ये मेरे नोट्स भेजूंगी, मैं पीपीटी भी भेजने वाली हूँ, लेकिन आपको आपके खुद के नोट्स तैयार करना शुरू कर देना होगा. तभी आप अच्छे से वो पेपर जब होगा, जब एग्जाम्स होगी, तो आपको मैंने क्या पढ़ाया है वो याद रहेगा. आपको वो वीडियो जो मैं यूट्यूब पे भेज रही हूँ बार बार देखने पड़ेंगे, तो क्या होगा उसके हिसाब से मुझे और आपको पता चलेगा कि आपको कुछ डिफिकल्टी है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि अभी के लिए मैं जो ये आपको बता रही हूँ आपको शायद समझ में आ भी गया होगा, लेकिन दो दिन में अगर आपने लिखा नहीं कुछ और डायरेक्टली बोला तो आप थोड़ा थोड़ा भूलने लगोगे. 8 दिन के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन केन्स है, कौन एडम स्मिथ है, कौन डेविड रिकॉर्ड है, कुछ कुछ नहीं याद रहेगा. ओके सो स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब भी मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ प्लीज सेंड मी बैक इट्स आंसर्स, तो ही आप ये कुछ हैंडल कर पाओगे. इट्स नॉट फॉर मी, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं पास हो गई हूँ इससे, राइट right? ये आपके लिए है. और आपको अगर इसमें और कुछ हेल्प चाहिए प्लीज लेट मी नो, आप कहीं पर भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है, राइट right? सो आज जो हमने देखा पढ़ा, क्या उसमें आपको कुछ भी डिफिकल्टी है? नहीं. ओके सो अगर कुछ डिफिकल्टी नहीं है तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं. अच्छे से खाना खाओ, आपका आगे का लेक्चर है वो अच्छे से अटेंड करो, और हैव अ नाइस डे. हम कल मिलते हैं. ओके बाय.